गुजरात पुलिस, बंगाल पुलिस मतलब कलकत्ता पुलिस और पार्टी का ओर से रक्षा व्यवस्था हम लोगों ने किया। सुरक्षा का व्यवस्था तीनों टोली अलग अलग ढंग से कर रहा है, लेकिन तीनों टोली में सामंजस्य बजाय रख के हम लोग इस व्यवस्था को कर रहे हैं। 6 इसमें वॉच टावर है, जिस टावर से नजरदारी का काम चलेगा। हमारा 1070 वॉलंटियर होगा और 1070 वॉलंटियर को 52 जो हमारा अधिकारी है वो कंट्रोल करेंगे और 52 वॉकी टॉकी लेके वो लोग काम इस मार्च से काम करेंगे। और इसमें मोदी जी और राजनाथ जी का भारत का मानचित्र में एक बड़ा कटआउट रहेगा जिसका हाइट होगा 56 फीट का। उस जो स्टैचू होगा उसका नाम हम लोगों ने दिया इंडिया ऑफ यूनिटी और सारे ढेर सारे कटआउट भी रहेंगे। अभी केंद्रीय सरकार से असहयोगिता अभी होना चालू हुआ। मोदी जी हेलीकॉप्टर में जो रेस कोर्स में उतरने का बात था, बहुत पहले हम लोग एप्लीकेशन किया, अचानक सेना वाहिनी से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हम लोग को सूचित किया गया जो हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का आग्रह पर हम परमिशन नहीं दे। साथ साथ हम लोगों ने आज ही गुजरात गवर्नमेंट से अप्रोच भेज दिया, लेकिन उसका भी उत्तर नेगेटिव आया। इसलिए एकदम अंतिम मुहूर्ते हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे, ऐसा जो छोटा मन का परिचय जो केंद्रीय सरकार दे रहा है, हम इसके खिलाफ, हम केंद्रीय सरकार का खिलाफ हम उसको धिक्कार देना चाहते हैं। दूसरा बात है राज्य सरकार का और से भी असहयोग का एक ही चित्र हम देख रहा है। मोदी जी का सुरक्षा में लगे हुए गुजरात का पुलिस और NSG जो आ रहा है उनका रहने का और सारी व्यवस्था पहले से पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था हम करेंगे, लेकिन उसमें भी वो लोग हाथ अभी खड़ा कर दिया, तो पार्टी उनको व्यवस्था कर रहा है। तो अभी तक जो पुलिस की व्यवस्था है अभी पुलिस से तालमेल हम लोग अच्छा से रख रहा है, लेकिन कल क्या होगा वो तो कल ही दिखा जाएगा। लेकिन हमारा दृष्टि से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो असहयोग का जो काम हम लोग देख रहा है, इसके लिए हम दोनों सरकार का काम से असंतुष्ट है और इतना छोटा मन करके ऐसा काम करना नहीं चाहिए, ये हमारा आग्रह है। तो इतना तक ही मेरा कोई प्रश्न है।